अरे सुनो, तुम्हारे मॉम डैड ने हमें मॉल में देखा तो नहीं ना? नो नो, आई एम द लकीस्ट गर्ल इन ऑल। लकीस्ट? कैसे? अरे सिंपल है, मेरा बॉयफ्रेंड है, बेस्ट है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, और हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी भी पूरी हो गई, तो मेरी लाइफ तो सेट है, हुई ना मैं लकी? वो तो है, एंड उस हिसाब से मैं भी लकीस्ट गर्ल। ऑफ कोर्स यार, तुम भी ना। हाँ, सीरियसली? हाँ, ऑफ कोर्स। क्या हुआ पापा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? ये तू मुझे पूछ रही कि तुझे क्या हुआ है? शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? हुआ क्या है, क्या किया मैंने? कस्तूरी, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने तुमसे। कौन था वो लड़का? कौन? मॉल में देखा था तुम दोनों को। मॉल? मैं कहाँ मॉल में गई हूँ, मैं तो क्लासेस गई थी और फिर घर। देखा कितना झूठ बोल रही है, ये सब आपकी गलती है, बहुत छूट दे रखे इसे, पहले कोएड स्कूल, फिर फोन, फिर स्कूटी। मॉम, मैं क्लासेस ही गई थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप पूजा को पूछ लो। वो पूजा तो सबसे बड़ी झूठी है, सब समझ में आ गया मुझे। तुम तो चुप रहो। फोन कहाँ है तेरा? फोन पापा, वो फोन तो फोन यहाँ पे। हाय बेबी, फोन क्यों काटती है? हिटलर आ गया क्या? मैं हिटलर ही बोल रहा हूँ भाई। इतनी भी लकी नहीं थी मैं, वहीं से मेरा बैड लक शुरू हो गया था, मेरा नहीं हमारा। रोहन की फैमिली और मेरी फैमिली एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि वो मुझे और रोहन को साथ में नहीं रहने देंगे, पर हमारा प्यार भी इतना कमजोर नहीं था। क्या बात है बेटा, क्यों हम दोनों को बुलाया? मुझे आप दोनों से बात करनी है। बोल, क्या कहना है? पापा, मम्मा, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी वजह से आप दोनों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, पर मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा नाटक करूंगी, मैं आपको सब सच सच। मतलब एक हफ्ते से आपने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया, पर यहाँ घर में बैठे बैठे मैं रोहन को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हूँ। इट्स बेटर कि मैं कॉलेज जाऊँ, अपनी फ्रेंड्स को मिलूंगी, पढ़ाई करूंगी, तो मेरा ध्यान बटेगा। और वापस तू उसे मिलेगी, जानता हूँ मैं। अगर आपको ऐसा लग रहा ना, तो आप ही मुझे पिकअप करना और ड्रॉप करना। सच कह रही है तो? रोहन, मुझे लगता है हमें भाग जाना चाहिए, हमारे पेरेंट्स हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट कहाँ जाएंगे हम लोग, जहाँ जाएंगे वो लोग हमारे पीछे पीछे आएंगे, फाइनली हमें पकड़ लेंगे, और ये मैं नहीं चाहता। तो अब क्या करें, तुम ही बताओ। मुझसे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स, ये कैसा सवाल है? मेरे बिना रह पाओगे? कभी रहना नहीं चाहती। फिर तो एक ही रास्ता। ये हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं डरपोक नहीं हूँ, लाइफ से लाचार होकर ये कर रहे हैं, डर के नहीं। ए! बोरे! सुकर आजा! सुकर! कम! हाँ? चल! चल! ए, चल! चल पुलिस स्टेशन तक! सुकर आजा यार! हाँ? फिर मेरी बेटी को उसके मामा के घर भेज देता हूँ, जूनागढ़। जूनागढ़ भेजना चाहते हो ना? भेज दीजिए, फिर भी हम मिलते रहेंगे। और यहाँ तो क्या किसी और देश में भेजोगे? तो वहां भी मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा। प्लीज मां, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। रोहन, अब तुमने कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, तुम्हें शादी करनी है ना, तो कर लो, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? देखो 6-7 साल रुक जाओ, फिर सेटल हो जाना, ठीक है? 6-7 साल? नहीं पापा, हम इतना वेट नहीं कर सकते। कांस्टेबल ने हमें पुलिस स्टेशन के बजाय हमारे पेरेंट्स के सामने ले जाना बेहतर समझा। मॉम डैड गुस्से तो थे, पर अब वो ज्यादा कंसर्न हो गए थे।